जब दोस्तों प्रेगनेंसी का नवा महीना लग जाता है तो इस दौरान बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे आपके गर्भाशय में नीचे की ओर यानी कि श्रोणि क्षेत्र में आना शुरू कर देता है। लगभग 34 से लेकर 36वें हफ्ते के बीच में बच्चा जो है अपना हेड डाउन करने लग जाता है और गर्भाशय में अपनी जगह धीरे धीरे नीचे की ओर बनाना शुरू कर देता है, ताकि जब डिलीवरी होने वाली हो तो उससे पहले वो गर्भाशय में सही पोजिशन में आ जाए। तो ये बच्चा ऑटोमेटिकली करता है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये जो चीज होती है ये प्रसव पीड़ा से ठीक पहले ही स्टार्ट हो सकता है, यानी कि जब आपके लेबर पेन स्टार्ट होंगे तो उससे पहले भी हो सकता है कि आपका गर्भस्थ शिशु नीचे की ओर सिमट जाए। कई कंडीशन में दोस्तों ऐसा भी होता है कि बच्चा जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, हेड डाउन भी नहीं करता है, ब्रीच पोजीशन में रह जाता है, जिसमें कि प्रेगनेंसी का टाइम अगर धीरे धीरे पास में आ रहा हो तो ऐसे में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। लेकिन इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका गर्भस्थ शिशु आपके गर्भ में नीचे की ओर खिसक गया है, इसके क्या क्या संकेत आपको मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है, आप पहले बच्चे को जन्म देने वाली है, तो ये जो संकेत मैं आपको बताऊंगी ये आप फील कर सकते हैं, इनको नोटिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक या फिर एक से ज्यादा बार माँ बन रही हैं तो ऐसे में हो सकता है कि आपको गर्भ में शिशु के नीचे होने का जो संकेत है, जो सिम्टम्स होते हैं वो नजर ना आए। तो जनरली ऐसा होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी अगर है तो आपको डेफिनेटली कुछ संकेत मिलते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो इस दौरान आपको ये संकेत देती हैं कि आपका गर्भस्थ शिशु अब नीचे की ओर खिसक गया है, कैसा आपको इस दौरान महसूस होगा। तो दोस्तों इसमें पहली चीज क्या होगा कि जब आपका बच्चा नीचे की ओर खिसकेगा तो आपको आपका पेट नीचे की ओर लटका हुआ ज्यादा महसूस होगा। प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में तो आपका पेट जो है आगे की ओर फुलाव लिए हुए होता है और आपको बच्चा भी आगे की ओर महसूस होता है, लेकिन जब बच्चा खिसकता है नीचे की ओर तो आपको आपका पेट नीचे की ओर लटका हुआ और सिमटा हुआ बच्चा आपको महसूस होने लगेगा। तो ये पहला संकेत, इससे आप नोटिस कर सकते हैं आपका बच्चा नीचे की ओर खिसक गया है। दूसरी चीज इस दौरान क्या होगा, आपका जो श्रोणि क्षेत्र होता है, पेल्विस एरिया जो होता है, इसमें काफी ज्यादा दर्द और प्रेशर आपको फील होने लगेगा और ऐसे में आपके मांसपेशियों में आपको काफी ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये चीजें होती है, श्रोणि क्षेत्र में दर्द होता है ज्यादा, तो ऐसे में प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में आपका बच्चा नीचे की ओर लगभग खिसक चुका होता है। तीसरी चीज इस दौरान क्या होगा कि जब आपका बच्चा नीचे की ओर खिसक जाता है तो ऐसे में आपको डिस्चार्ज ज्यादा होता है, और ये डिस्चार्ज आपको इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जब बच्चा नीचे की ओर आपके सर्विक्स में दबाव देता है तो ऐसे में क्या होता है, सर्विक्स के मुंह पे जो म्यूकस प्लग लगा होता है वो छूटने लग जाता है, और ऐसे में जब ये छूटता है प्लग तो इससे आपको पिंकिश कलर का डिस्चार्ज होने लग जाता है। और ये म्यूकस प्लग आखिर होता क्या है, ये क्या होता है, आपकी गर्भाशय ग्रीवा से बच्चे तक कोई भी बैक्टीरिया ना जाए, इस चीज को होने से रोकने का काम करता है। तो ये म्यूकस प्लग धीरे धीरे इस दौरान छूटने लग जाता है। चौथी और अंतिम चीज दोस्तों, इस दौरान जब आपका बेबी नीचे की ओर खिसक जाता है, आपको इस दौरान सांस लेने में जो कठिनाई अभी तक हो रही होती है, जो कि प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं को परेशान करती है, ये सांस लेने की दिक्कत आपकी कम होने लगती है। वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा आपका पेट में ऊपरी साइड होता है, गर्भाशय में ऊपरी साइड होता है, तो वो आपके अन्य अंगों पर दबाव डालता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपको दौरान सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। तो जब बच्चा नीचे की ओर खिसकने लग जाता है, नीचे की ओर आ जाता है, तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में जो कठिनाई हो रही होती है उससे काफी ज्यादा आराम मिलता है। और दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि प्रेगनेंसी का अंतिम दौर है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में महिलाओं का बीपी बढ़ जाता है कई बार। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, सांस लेने में अगर आपको बहुत कठिनाई हो रही है अंतिम दौर में, तो आपको करना क्या है, आपको अपने सोने की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। वो ये कि आप जब सो रहे हो तो अपने सिराने पे आपको दो तकिया एटलीस्ट लगानी है, यानी कि आपका जो अपर पोर्शन है बॉडी का उसको आपको थोड़ा सा अपसाइड रखना है, जिससे क्या होगा, जिससे आपको सांस लेने में कठिनाई नहीं होगी। तो ये काम आप जरूर करिएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अंतिम दौर अगर आपका चल रहा है तो आपका बच्चा नीचे की ओर खिसकने पे आपको कैसा महसूस होगा, आपको से कैसे संकेत मिलेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।